सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एडवांस क्लास। आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका यही टॉपिक M9.4 मल्टीनोमियल थ्योरम का, जिसमें हमने लास्ट क्लास में मल्टीनोमियल थ्योरम देखे थे और उसके ये बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपके बेस्ड थे। लास्ट थ्री क्वेश्चंस जो हमने देखे वो आई प्लस एफ वाली मैथड, मतलब इंटी या एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जहाँ पे हमने एफ एंड एफ डैश की फ्रैक्शनल पार्ट अगर 0 से 1 के बीच में है तो उसकी nth पावर भी 0 से 1 के बीच में होगी। फिर i प्लस एफ प्लस एफ डैश को सम करके हम कुछ कुछ प्रूव करते थे एंड यहाँ पे एफ प्लस एफ डैश हमने 1 देखा था, तो उसके बेस पे से हमने 1, 2, 3 क्वेश्चन जैसे किए थे राइट, जहाँ पे लास्ट में तो आपका एफ प्लस एफ डैश इक्वल टू 1 का भी यूज आया था। यस, अब जब अभी इसी टाइप का क्वेश्चन 8 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, बट क्वेश्चन 8 में दूसरे वर्ड्स यूज किए गए हैं। एज फॉर एग्जाम्पल 9 + 4√5 होल टू द पावर n इक्वल टू s प्लस t, वेयर इट इज गिवन एज t इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन। अब टी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? यस प्रांजल, तो जब आपका ए बाई बी, अगर ए बाई बी आपका फ्रैक्शन है, ये आपको पता है, फ्रैक्शन को आप डिवाइड कर सकते हो आइदर प्रॉपर में और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो एज फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग 5/6 राइट और 5/10 कुछ भी, सो 5/6 वेयर पाई इज लेस देन 6, सो दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर फ्रैक्शन। व्हेन ए इज लेस देन बी दिस इज कॉल्ड योर प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हम तो क्लास 8 में पढ़े थे। एंड इफ ए बाई बी इज ग्रेटर देन 1 this is called your improper fraction. You know that improper fraction को हम proper fraction में convert कर सकते हैं, proper fraction में नहीं, mixed fraction में convert कर सकते हैं। So 5 × 5 + 1 that is 6 by 5 this is called your mixed fraction जो भी आप नाम दो। ओके, तो ये बस एक थोड़ा बेसिक, तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है टी, दैट मीन्स योर टी इज लेस देन 1, तो इट इज सेम एज योर आई प्लस एफ, वो वाला कंसेप्ट आप अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हो। तो उस तरीके से आपने किया, आपका हो गया। तो भाई जैसा कि मैंने बोला था, फ्रैक्शन आपको दिया गया है 9 + 4√5, देन चेक फॉर 9 − 4√5 इज इट बिटवीन 0 to 1 और नॉट। और लास्ट क्लास में जब हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे तो 4√5 या उसका मल्टीप्लीकेशन लाना डिफिकल्ट था, इट वॉज 8 and 3√6 समथिंग लाइक दैट, तो उसको हमने कैसे किया था, पूरा 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 × 5 = 80, सो √80 इज लिटिल बिट लेसर फ्रॉम √81, सो डेफिनेटली इट इज बिटवीन 0 to 1। इज दिस क्लियर एवरीवन? फिर सेम कंसेप्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, i प्लस एफ प्लस एफ डैश दोनों का सम कर दो तो +4√5 होल टू द पावर n, सारी ऑड टर्म्स −4√5 होल टू द पावर n वो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, इवन टर्म्स बचेगी तो इंटीजर पार्ट एंड फिर वहां से आप खेल सकते हो। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा s प्लस टी प्लस, सपोज टी डैश नाम ले रहे हो, इंटीजर इंटीजर पार्ट, जहाँ टी डैश क्या हो जाएगा आपका 9 − 4√5 होल टू द पावर n। अच्छा, अब यहाँ पे आपको प्रूव करना था 1 − t × s + t = 1। ओके, सो अब यहाँ पे वही सेम कंडीशन आएगी जो हम ऑलरेडी कर चुके थे कि t प्लस टी डैश तो आपको 1 ही मिलने वाला है, t प्लस टी डैश इक्वल टू 1। नाउ ये जो एग्जैक्टली आपको प्रूफ करना है 1 − t s + t = 1, तो 1 − t इज नथिंग बट योर t डैश × s + t। वॉट इज योर t डैश? सेम, आप तो सेम हो जाएगा ना, टी डैश इज योर 9 − 4√5 होल टू द पावर n, एंड s प्लस टी इज 9 + 4√5 होल टू द पावर n, सो ये उसी टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे बस वो ये इस तरीके से आपको इक्वेशन बना के दिया था, x − x² + x ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ x, और वहां से कॉमन निकाल के यही हो रहा था हमारे पास 1 − t n x। ओके, जो यहाँ पे आपको दिया गया 1 − t n x इज s प्लस टी, सो दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 ओनली। आई होप अभी आपका हो गया होगा एवरीवन। नाउ शैल वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9? लेट मी इंपोर्ट क्वेश्चन नंबर 9 हियर, या फिर मैं डायरेक्ट यहां से लिख देता हूं। सो इन क्वेश्चन नंबर 9 इट इज आस्किंग, और दे आर आस्किंग दैट कोएफिशिएंट ऑफ x^2012 in expansion of
1 minus x whole to the power 2008 and 1 plus x square whole to the power 2007. So ये आपको दिया गया है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 2012 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस. चलो तो पहले 1 माइनस x एंड 1 प्लस x स्क्वायर दो रास्ते हैं ब्रो. जो पहला रास्ता है वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, बाइनोमियल का एक्सपेंशन फिर ये फिर उसका प्रोडक्ट. क्या कुछ कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ पे हम 1 माइनस x एंड 1 प्लस x स्क्वायर? कहीं देखा देखा लग रहा है कोई फॉर्मूला में a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, वो अप्लाई करने के लिए दोनों की पावर सेम होनी चाहिए. यस ये 2008 है तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 1 1 माइनस एक्स टू द पावर 2007 कर देते हैं. दिस इज योर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 2007. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स एज इट इज नाउ. ए माइनस बी ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इजंट इट योर ए क्यूब माइनस बी क्यूब? So this will give you 1 cube minus x cube whole to the power 2007. That is 2007 हमने common निकाल दिया. Am I right? So 1 minus x and 1 minus x cube whole to the power 2007. So this is equal to 1 minus x, 1 minus x cube whole to the power 2007. हमारा aim है x to the power 2012 का coefficient find करना. कि अगर 1 से multiply कर दूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2007. माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2007. अब आई थिंक मेरे लिए 2012 का कोएफिशिएंट निकालना आसान हो सकता है. पहले हम यहाँ पे सोच सकते हैं फिर यहाँ पे सोच सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स भी मल्टीप्लाई होगा एंड फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन. एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. आर्थ टर्म क्या हो जाएगी ये पहले एक्सपेंशन में? अगर ये 1 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 2007 है yes, तो यहाँ आपकी आर्थ टर्म हो सकती है माइनस 1 टू द पावर आर एक्स क्यूब टू द पावर 2007. एम आई राइट? एक्स क्यूब टू द पावर आर एक्जेक्टली नॉट 2007, एक्स टू द पावर 3r. जहाँ पे हम सिग्मा अगर अप्लाई करेंगे तो आर विल रन फ्रॉम 0 टू 2007. यस यस अभिराम इज टेलिंग 2012 इज नॉट पॉसिबल. यस लेट अस सी. अब 2012 आपकी पावर कब आ सकती है? फॉर 2012 पावर योर आर 3r शुड बी इक्वल टू 2012. सो आर शुड बी इक्वल टू 2012 बाई 3. अब इट इज नॉट डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 3, करेक्ट? क्योंकि सम ऑफ द नंबर्स इज नॉट 3. सो डेफिनेटली आर आपका बिलोंग्स टू एन इज नॉट पॉसिबल हियर. सेम हियर अगर यहाँ पे आप आर्क टर्म फाइंड करो तो ये माइनस को मैं पहले साइड पे रख रहा हूँ. ओके इसका तो माइनस 1 टू द पावर आर एक्स टू द पावर 3r मिलेगा एन इन टू एक्स इट विल बी ऑलवेज मल्टीप्लाइड हियर. एम आई राइट एवरीवन? तो यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस 1 टू द पावर आर एक्स टू द पावर 3r प्लस 1. इफ 3r प्लस 1 इक्वल टू 2012, 3r इक्वल टू 2011. अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4. तो यहाँ पे 2011 बाई 3 सच नेचुरल नंबर इज नॉट पॉसिबल. एम आई राइट? तो यहाँ पे आपका पॉसिबल ही नहीं होगा 2012. सो योर ऑप्शंस आर ऑल्सो गिवन टू यू 2012, C 2007, C 2009, C 2008 or none of this. So our answer should be D, none of this. Is this clear, everyone? Okay, you can tell me yes if it is clear. एकदम आसान सा आपका क्वेश्चन है, फुद्दू सा क्वेश्चन. बस थोड़ा सोच के हमें आगे करना है. Just I got one doubt, let me write that. आपके seniors का जो revision शुरू किया उसके regarding doubt है. ठीक, thank you. Now
चलो लेट मी इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। Okay, I hope you can see this question number 10 on screen now. The coefficient of x cube, आपका x cube का coefficient find करना है, in the expansion of 1 minus x whole to the power 5 into 1 plus x plus x square plus x cube whole to the power 4. तो सेम क्या ऊपर वाले कंसेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मैंने बोला कंसेप्ट का क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्या 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या कुछ बन सकता है यहाँ पे, या फिर सेम अगर पावर को मैं अलग करूं, सो दिस इज 1 माइनस एक्स, देन आई कैन राइट 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 4, और पावर 4 साइड में कॉमन निकाल कर रख देते हैं, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब होल टू द पावर 4। What can be answer of this? 1 minus x into 1 plus x plus x square plus x cube, okay? 1 minus x to the power 4, sure? Yes, just ek bar multiply karke dekh lenge. Agar 1 se multiply kar raha hun, to yehi milega 1 plus x plus x square plus x cube. Minus x se multiply karenge to माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4, यस इजी, सो इजंट इट 1 माइनस एक्स टू द पावर 4, दिस इज वेरी गुड अभिराम, सो ये आपका हो गया 1 माइनस एक्स एज इट इज, दिस इज 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, देन सेम मेथड 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 होल टू द पावर 4, होप यहाँ पे हमें मिल जाए, एक्स टू द पावर 13 का कोएफिशिएंट हमें निकालना है। आठ टर्म यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस वन टू द पावर आर एन सी जीरो सॉरी एन सी आर फोर सी आर एक्स टू द पावर 4 इंटू आर, एम आई राइट एवरीवन, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एंड फिर यहाँ पे आपके पास हो जाएगी ये माइनस एज इट इज, ओके माइनस वन टू द पावर आर सेम 4 सी आर एक्स टू द पावर 4 इंटू आर, और x आपका मल्टीप्लाइड होगा, ओके तो x को मैं इधर भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास आसानी है, इसलिए इन दोनों को अलग ही करेंगे। चलो अब यहाँ पे आठ टर्म में हमें लाना है x टू द पावर 13, कि x टू द पावर 13 आपकी कब आ रही है, तो x टू द पावर 4r होना चाहिए 13, इज इट पॉसिबल, ऐसा कोई आर नेचुरल नंबर पॉसिबल नहीं होगा जिसके लिए 4r आपका 13 हो, इन दिस नाउ हियर x टू द पावर 4r प्लस 1 ये पॉसिबल हो सकता है, 4r प्लस 1 इज इक्वल टू 13, सो 4r विल बी इक्वल टू 12, सो r विल बी इक्वल टू 3, सो व्हाट विल बी इट्स कोएफिशिएंट, माइनस वन क्यूब फोर सी थ्री, एंड देन एक्स वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, एंड फोर सी थ्री इज इक्वल टू फोर सी वन, कैन आई से माइनस फोर एवरी वन, ओके देन ऑप्शन बी, बट ये माइनस फोर के आगे भी तो माइनस है जहां पे मेन गलती हो जाती है, आया ना एवरी वन, माइनस फोर हमें कहां तक का आंसर मिला, ये और ये, ओके सो पहली टर्म में पहले एक्सपेंशन में आपको एक्स टू द पावर 13 नहीं मिलेगा, दूसरे एक्सपेंशन में एक्स टू द पावर 13 मिलेगा, बट उसके आगे माइनस है, सो योर कोएफिशिएंट और रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट विल बी माइनस माइनस प्लस 4, is this clear everyone, you can tell me yes if it is clear to you,
ओके इजी ऊपर वाले में बस हमें नहीं मिला, इधर मिल गया कुछ ना कुछ रियलिस्टिक में नहीं सर. और इन द सेकंड टर्म वी कैन राइट माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन इनिशियली. ओके माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन, हाँ यस. अच्छा वो माइनस को डायरेक्ट इसी में इंक्लूड करके, एग्री. सो अभिराम इज सजेस्टिंग टू इंक्लूड माइनस इन आर टर्म ओनली डायरेक्टली. हाँ तो ये माइनस की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या माइनस वाली प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, यस दैट विल बी बेटर आइडिया आई गेस, क्योंकि माइनस वाली मिस्टेक होती ही है, ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है. सो जस्ट ट्राई टू इंक्लूड इट हियर ओनली, माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन, एंड आगे हो जाएगा प्लस. लेट मी इंपोर्ट अदर क्वेश्चन. थर्टी सी वन के साथ पहले मल्टीप्लाइड है थर्टी सी टेन, उसके बाद मल्टीप्लाइड है मतलब सब्ट्रैक्शन करके थर्टी सी वन के साथ थर्टी सी इलेवन, एंड फाइनली थर्टी सी ट्वेंटी के साथ थर्टी सी थर्टी. मतलब ये माइनस का मतलब ये है कि प्लस माइनस शायद चलता जाएगा, बट हाँ माइनस वन टू द पावर एन नहीं दिया गया. तो इसका आंसर क्या हो रहा है वो आपको पूछना है. लेट अस सी. थर्टी सी जीरो, थर्टी सी टेन, थर्टी सी वन, थर्टी सी इलेवन, थर्टी सी ट्वेंटी, थर्टी सी थर्टी. कैन यू से दिस एवरीवन? चलो अब यहाँ पे क्या रिलेशन आप निकाल सकते हो, ये जीरो टेन सभी जगह वन 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 इंक्रीज हो रहा है, ये जीरो से लास्ट में इंक्रीज होकर ट्वेंटी तक पहुंच गए हैं, एंड 10 से हम 30 तक पहुंच गए हैं, तो 20 टर्म्स होंगे. कैन वी अज्यूम लाइक दिस एवरीवन? ये जीरो से आपका 20 तक हो जाएगा, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. इन द सेम वे यहां पे ये 10 से लेके हो जाएगा 30 तक. सो एवरीवेयर टोटल वी आर हैविंग 20 बार आपका इंक्रीज हो रहा है, सो 21 टर्म्स आई कैन से. ओके Got it. चलो फिर और कुछ, और कोई चीज यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते ऐसा कुछ? 30C 10 NCR NCN माइनस आर अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं होगा. Can we do one thing? Yes, Abhiram, just a minute. We can take 30C0 into 30C10 and then think later, okay. Minus 1 to the power, sorry, 1 to the power 1 plus R30CR into 30CR plus 10. अच्छा माइनस वन टू द पावर आर प्लस वन लिख रहे हो, राइट? ठीक है, आप बोल रहे हो 30 से 0, 30 से 10 को कॉमन लेते हैं फिर आगे सोचते हैं. ठीक है, यहाँ पे सीधे तरीके से सोचने से नहीं होगा, हमें कुछ उल्टा सोचना होगा, कुछ टेढ़ा सोचना होगा, समझना. वो सोचने के लिए लेट मी गिव यू वन हिंट. फर्स्ट कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x होल टू द पावर 30? आफ्टर दैट कैन यू टेल मी व्हाट विल बी एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस x होल टू द पावर 30? And from these two, then we will think what we can do. पहले 1 plus x to the power में 30 कर रहा हूँ. जैसा आप सबको पता है ये 30 सी जीरो, राइट? अगर जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लिखूँ या जिस फॉर्म में आप कंफर्टेबल हो उस फॉर्म में लिखूँ,
सो 30c0 एक्स टू द पावर 0 प्लस 30c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 30c2 एक्स स्क्वायर अप टू कैन आई सी दैट 30c30 एक्स टू द पावर 30 ऐसा मिलेगा, आया ना? एंड जब बीच में माइनस होगा तो 30c0 माइनस 30c1 एक्स टू द पावर 1 प्लस 30c2 एक्स टू द पावर 2 अगेन माइनस एंड 30 आपका फाइनली इवन नंबर है तो 30c30 एक्स टू द पावर 30 एम आई राइट? यहाँ पे प्लस माइनस मिलता जाएगा हमें, यू कैन टेल मी ऐसे भी आंटी ओके। अब 30c0 के साथ आपका मल्टीप्लाई होना चाहिए 30c10 ओके, वो सोचो 30c10 इज नथिंग बट 30c20 ओनली, वो कैसे मल्टीप्लाई हो सकता है? सी है Got it. Just a minute. एक चीज समझना स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन समझना, ये जो आपका 30c10 है क्या मैं इसे 30c20 लिख सकता हूँ अगर NCR अप्लाई करूँ तो? इसको 19 लिख सकता हूँ, आया ना? ये 30c0 हो जाएगा, जस्ट टेल मी यस एवरीवन ओके। अब यहाँ पे ये लॉजिक समझो, ये 0 प्लस 20 क्या होगा 20, 1 प्लस 19 क्या होगा 20, 20 प्लस 0 क्या होगा 20, क्या मैं बोल सकता हूँ हर टर्म में ये दोनों का सम 20 होगा? एम आई राइट? सी, यहां से अब एक आपको ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं, दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2। अब ये जो दोनों का सबका सम 20 हो रहा है, इफ आई मल्टीप्लाई 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 30 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 30। यस आई एग्री ओवेश, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 20 भी हम सोच सकते हैं, बट फिर वहां पे 20c0 आएगा, समझना। हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि जब हम 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n लिखते हैं राइट, तो NCR x टू द पावर r एंड x टू द पावर n माइनस r, यहाँ पे हर टर्म का कोएफिशिएंट में आप अगर हर टर्म के पावर या इच टर्म के अगर दोनों पावर का हम सम करें, जब ये a प्लस बी हो, एग्जैक्टली नॉट 1 प्लस एक्स, जब a प्लस बी हो तब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जब मैं a और b लिखता हूँ तो उन दोनों का सम n होता है, प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, आया ना? तो वही सेम चीज आप भी सोच रहे हो, बट NCR दो बार है तो समझना है, यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्ट नहीं लगेगा, थोड़ा अलग लेवल से थोड़ा हटके हमें सोचना है। सो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 30 के साथ अगर मैं 1 माइनस एक्स होल टू द पावर 30 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 30 में आपके पास कौन कौन से टर्म्स है? सारी टर्म्स है, ये टोटल यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे आपको टोटल 31 टर्म्स है, यहाँ पे 31 टर्म्स है, सो टोटली दिस 31 टर्म्स इंटू 31 टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, हायर ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। अभी तक सिर्फ हम प्लस माइनस कर देते ताकि अगर प्लस करेंगे तो ऑड पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस करेंगे तो इवन पावर्स कैंसिल हो जाएगी। अब मैं मल्टीप्लाई का सोच रहा हूँ, मल्टीप्लाई का सोच रहा हूँ तो मुझे बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, बट उन टर्म्स में से मुझे कौन सी टर्म को कंसिडर करना है? उन टर्म्स में से मुझे वो टर्म्स को कंसिडर करना है जिसमें 30 से आप शुरू कर रहे हो एंड यहाँ पे सम ऑफ r इज कमिंग 20, सम ऑफ r इज कमिंग 20, दैट मीन्स x टू द पावर 20 वाले टर्म्स के बारे में ही आपको सोचना है, समझना। हियर जस्ट आई विल कंसीडर फ्रॉम दिस प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 30, यस वेरी गुड, जस्ट आई विल कंसीडर कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 20. Is this clear everyone? You can tell me yes if you agree. Coefficient of x to the power 20 in 1 minus x square whole to the power 30. इसमें से हम इसको find करने की कोशिश करते हैं। चलो x to the power 20 आपके पास कब आ सकता है, समझना, ये x to the power 0 है, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x to the power 20 आएगा, x to the power 20 के साथ में मल्टीप्लाई करो तो आएगा, What is your x to the power 20? इसका coefficient इधर क्या हो जाएगा? 30c20 हो जाएगा? Please tell me yes if you agree everyone. Isn't it your 30c0 into 30c20? Everyone. ये आपका 30c0 के साथ 30c20 multiply करने से आएगा. In a same way, 30c1 के साथ 30c19 और वो जो आपका minus होगा,
रिपीट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 25. ओके, ये पूरा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने जो वो लिखा है वो भी मैं पढ़ रहा हूँ कि वी कैन टेक 30p20 होल स्क्वायर कॉमन एंड देन वो भी हम सोचेंगे. यस यस ग्रेट, अच्छा वो रॉन्ग, ठीक है. एंड उसके बाद अब ये प्लस 30c20, जस्ट लेट मी फिनिश दिस एंड आफ्टर दैट आई विल रिपीट दिस पार्ट वन मोर टाइम. प्लस 30c2 एंड इसके साथ मुझे 18 वाला मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे इंटू 30c18. इसी तरीके से चलता जाएगा. इसके बाद वाली टर्म डेफिनेटली नेगेटिव होगी. लास्ट में 20 कब मिलेगा, जब यहाँ 30c20 ले लूँ और इधर 30c0 ले लूँ. सो 30c20 एंड 30c0. ओके, लेट मी रिपीट दिस वन मोर टाइम, क्योंकि यहां से अब जैसा कि उधर हमने एक टाइप देखी थी स्टूडेंट्स, आई प्लस एफ प्लस एफ डैश वाले क्वेश्चन, फिर वो टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखे, वैसे ये क्वेश्चन आपको एक नई टाइप सिखा रहा है, विच इज कॉल्ड योर समथिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20 और कोएफिशिएंट ऑफ एनी वन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कुछ भी हो सकता है वो आपका एक्स टू द पावर 20 एक्स क्यूब पूरे एक्सपेंशन में, वो कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे. सी वन मोर टाइम, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया उसको हमने ऑब्जर्व किया पहले, तो इनिशियली हमें कुछ ज्यादा पता नहीं चला क्योंकि सभी जगह अलग है. हाँ, ये 0-10 है, 1-11 है, 20-30 है, ये पूरा अलग है कि जिसमें ना ही हमारे पास कुछ रिलेशन है कुछ नहीं. फिर एनसीआर एनसीएन माइनस आर वाला अगर मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ कोई भी एक जगह पे, इधर आप पहले अप्लाई कर सकते हो या सेकंड अप्लाई कर सकते हो. अगर मैं सेकंड केस में एनसीएन माइनस आर वाला कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ तो ये 10 नहीं 20 हो जाएगा एन माइनस आर, ये 19 हो जाएगा एंड ये 0 हो जाएगा. एंड आफ्टर अप्लाइंग दैट कंसेप्ट कैन यू सी हियर इट इज योर नथिंग बट 0 + 20 = 20, 1 + 19 = 20, 20 + 0 = 20. तो जब ऐसा आपको ऑब्जर्वेशन मिले तो वो क्या होता है उसका भी ऊपर भी हम कंक्लूजन में आएंगे, बट दैट इज योर टू द पावर 20 आपके पास फिक्स है. अभी तक हमें ये पता है कि a प्लस बी होल टू द पावर n में अगर आप उसके कोई भी n टर्म निकाल रहे हो तो ncr a टू द पावर n माइनस r b टू द पावर r होता है, मतलब हर एक टर्म की टोटल पावर n होती है, माइनस r प्लस r आपका कैंसिल हो सकता है. वो केस अगर मैं यहाँ से सोचूं, पहले 30c0 वाली अगर मुझे सारी पावर चाहिए 30c1 से लेके 30c20, तो मैं पहले 30c0 से लेके 30c30 तक पहुंच गया प्लस में, वही सेम पावर सब मुझे प्लस माइनस चाहिए तो इधर माइनस में पहुंच गया. अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट. तो टोटल तो मुझे बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी, दिस इज 31 × 31 टर्म्स, राइट, मुझे बहुत सारी टर्म्स मिलेंगी. अब जिसमें जो जो पावर कॉमन आती जाएगी वो आपकी मर्ज होती जाएगी. अब यहाँ पे अगर आप अब ये ऑब्जर्वेशन देखो कि अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ एक्स टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट चाहिए ये पूरे एक्सपेंशन में, इफ आई वांट ओनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 20, हाउ कैन आई गेट एक्स टू द पावर 20 अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मैं कैसे ला सकता हूँ. एक्स टू द पावर 20 लाने के लिए मुझे 30c0 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30c20 से. क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स टू द पावर 0 इधर एक्स टू द पावर 20 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्स टू द पावर 20 मिलेगा. सेम here in the second term I am having x to the power 1, here from last second term I will be having x to the power 19. So if I multiply x to the power 19 with x, I'll get x to the power 20. X square with x to the power 18, x cube with x to the power 17, and lastly x to the power 20 with this constant term. Am I right everyone? Please give me some response. So here 30c0 se leke 30c20 multiply hoga, 30c1 se leke 30c19 multiply hoga, 30c0, 30c20, 30c1, 30c19. तो अब जो ये हमने क्वेश्चन ऑब्जर्व किया यही तो मिला, आया ना, जो हमारे पास क्वेश्चन ऑब्जर्व किया यही तो हमें मिला. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां से अब आप एक कॉमन ऑब्जर्वेशन भी याद रख सकते हो, अगर आपके पास NC0, NCR और NCR वाले कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके सम दिया गया है, प्लस माइनस दिया गया है, एंड वो जो भी आपके NCR1, NCR2, NCR1, NCR2 सभी जगह मल्टीप्लाइड है, ये NN आपका क्लियर है. ओके, तो इट इज नथिंग बट योर प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स ओनली. ओके, ये आप डायरेक्टली समझ सकते हो, दिस इज एक प्लस एक माइनस है एंड ये पावर सभी जगह सेम है, मतलब पावर इन शॉर्ट आर का सम सभी जगह सेम है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है. सो दिस इज नथिंग बट योर कोएफिशिएंट ऑफ जो भी वो टोटल हो रहा है एक्स टू द पावर 20 इन 1 − x² / 30. 1 − x² / 30 में एक्स टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि जो पहले टर्म है वो आपको 1 + x / 30 से मिलेंगे, दूसरे टर्म है वो 1 − x / 30 से मिलेंगे, एंड पर्टिकुलरली x टू द पावर 20 वाले कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से आपको ये मिलेगा. है गजब, आया ना?
है ऑसम ऑब्जर्वेशन राइट। एंड ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन में काम आएगा, जैसे ऊपर वाले एक क्वेश्चन में हमने किया था आई प्लस एफ प्लस एफ डैश, फिर उसके बेस पे से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, सेम गोज विथ हियर। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एन सी एन माइनस आर में कन्वर्ट कर दो, 30C0 एज इट इज, दिस विल बी 30C10 माइनस 30C1 एज इट इज, दिस विल बी योर 30C11 राइट, प्लस इसी तरीके से चलता जाएगा एंड फाइनली दिस इज 30C20, दिस इज योर 30C30। सो दिस इज योर क्वेश्चन ओनली। ओके, अब हमें ये पता नहीं था कि ये क्या है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, बट अभी तो पता चल गया दिस इज योर, ये पहली बार इसलिए ये पूरा मुझे समझाना पड़ा, नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली पकड़ लोगे कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 20 इन 1 माइनस x टू द x स्क्वायर होल टू द पावर 30 और नॉट। और यहाँ पे अब x टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट आप कैसे ला सकते हो, अगेन एक r प्लस 1 टर्म पहले फाइंड कर दो, विच इज योर माइनस 1 टू द पावर r एंड एन सी आर, एन इज नथिंग बट योर 30 सी आर एक्स स्क्वायर टू द पावर r ओनली, एम आई राइट एवरीवन, एंड x टू द पावर 20 का आपको कोएफिशिएंट चाहिए, सो 2r शुड बी 20, r शुड बी इक्वल टू 10। If r is 10, then t11 is equal to minus 1 to the power 10, 30c10, x to the power 20. उसका coefficient हो जाएगा 30c10 only, या जिसे आप 30c20 भी बोल सकते हो, इन दोनों में से आपको जो option दिया गया हो। देखो, इतना complicated दिया था, but simplify करके only this is your answer, 30c10. तो ऑब्जर्वेशन पता चला स्टूडेंट्स, तो जब भी आपके पास अगर ऐसे टर्म्स मल्टीप्लाइड में हो राइट, कैसे टर्म्स, एक एनसीआर है, दूसरा एनसीआर है, प्लस एनसीआर है, एनसीआर है, अप टू ये एनसीआर एनसीआर है, ऊपर से प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस, सब में ये आपका एन कॉमन है, ये एन कॉमन है, ये एन कॉमन है, ये एन कॉमन है, ये एन कॉमन है। ओके, फिर सभी जगह पे आपको अलग अलग चीजें दी गई है, अब वो ऑब्जर्वेशन आपको पकड़ना है कि वो चीजें आपको कैसे दी गई है। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे R1 है, ओके दिस इज योर 20 माइनस R1 था या कुछ भी, और अगर मुझे इसे कोई दूसरे टर्म में लिखना हो, जैसे अगर 20 को मैं R ले रहा हूं, सो दिस इज NC0, या 0 से हम शुरू करते हैं, जीरो एन सी आर, देन वन, एंड दिस विल बी योर आर माइनस वन, अप टू जीरो हो जाएगा आर, एंड ये हो जाएगा आपका जीरो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, ओह ग्रेट अभिराम, अगर ठीक है वो अगर आपको मिल जाए तो मुझे बताना। सो दिस इज नथिंग बट योर को एफिशियंट ऑफ x to the power r in 1 minus x square whole to the power n. Is this clear everyone? Okay. बस अब इस method में आपको उसको पहले convert करना होगा, तो अगर आपके पास इस तरीके से दिया जा रहा है, how you can identify your n should be same, right? You can see here that n should be same in every case, n same है, जो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था 30 का, फिर ये जीरो आपका इंक्रीज होते हुए जा रहा है, जीरो से लेके वन से लेके आर तक जा रहा है, ये आपका आर इधर इधर इंक्रीज होते होते आर तक पहुंच गया, एंड बाकी आर आपका इधर डिक्रीज होते जा रहा है, तो इनिशियली वो भी आपका इंक्रीज हो रहा था, बट एनसी एन माइनस आर वाला बस कंसेप्ट अप्लाई करना था, तो डिक्रीज होते होते गया। इज दिस क्लियर? फिर आपके लिए आसान हो जाएगा, तो ये कुछ आपको आइडेंटिफाई करना है, इसे आप आपके फॉर्मूला बुक में भी इंक्लूड कर सकते हो एक्स्ट्रा में।
यस क्वेश्चन इज एन सी कॉमन सम नाउ चलो लेट मी इंपोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ओके द आंसर फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन सी कॉमन सम ओके यस आंसर कॉमन सम मतलब 20 एनसीआर यस और हाँ आई गॉट इट गॉट इट मैं यहां से सोच रहा हूँ ये माइनस वन टू द पावर आर हमें मिलेगा एंड इधर एनसीआर एक्स टू द पावर टू आर मिलेगा एम आई राइट ओके फिर कोएफिशिएंट ऑफ वहां हमारा आया था एक्स टू द पावर 20 ना ठीक है इधर मैंने ऑलरेडी आर नाम दे दिया तो सपोज इधर मैं आर डैश नाम दे रहा हूँ सो एक्स टू द पावर 20 इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2 आर डैश इक्वल टू 10 सो माइनस वन टू द पावर 10 इंटू एन सी 10 या हम बोल सकते हैं ठीक है अगर डायरेक्ट याद रखना है तो फिर इस फॉर्म में याद रखो क्योंकि माइनस वन की भी पावर आएगी ना सो माइनस वन टू द पावर आर बाई टू एन सी आर बाई टू नहीं तो वो तुरंत ला ही सकते हैं चलो नेक्स्ट ये सभी राम 30 से 24 इंक्लूड कर सकते हैं बट कभी वो नेगेटिव हुआ तो उसके लिए माइनस वन का भी आप सोचो उसको भी इंक्लूड करना है Okay, can you see this question number 12, everyone? If alpha is not equal to 1 and is an nth root of unity, अब यहाँ पे आपका concept कौन सा include हो रहा है? Can I say complex number? Complex number का concept यहाँ पे include होगा. If alpha is not equal to 1 and is an nth root of unity, n belongs to capital N, small n आपका natural number है. Such that first three terms in the expansion of alpha plus x whole to the power n, okay, are 1 alpha bar and n minus 1 by 2 and alpha bar whole square, then the value of x is. Let us see this. Alpha 1 नहीं है और वो nth root of unity है. चलो nth root of unity के लिए क्या क्या याद है हमने बहुत सारे questions किए हैं इस पे nth root of unity पे okay. तो alpha is your nth root of unity, right? That means alpha to the power n equal to 1. And total n minus 1 वो आपको मिलेंगे क्योंकि 1 वो already है. 1 minus alpha to the power n equal to 0. 1 minus alpha n, फिर यहाँ पे alpha minus alpha n और वो सारी चीजें हमने लिखी थी. ठीक है, we'll see उसमें से कितनी चीजों की जरूरत पड़ती है. Now first three terms of alpha plus x whole to the power n are फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड उसमें एक्स को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है बट फर्स्ट थ्री टर्म्स में एक्स आना चाहिए ना वन अल्फा बार एन माइनस वन बाई टू एन इंटू अल्फा बार स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज ओके फिर एक्स की वैल्यू क्या है गॉट इट यस अल्फा बार तो यहाँ पे यस टर्म्स आपको ऑलरेडी पहले दी गई हैं तो ये फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं फर्स्ट थ्री टर्म्स है मतलब अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हो तो सारे फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एक्सपेंशन इसी की मदद से आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है बट फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन आप कैसे फाइंड कर सकते हो ओके अल्फा एंथ रूट ऑफ यूनिटी तो उसके बारे में आप और क्या क्या बोल सकते हो हमें ये पता है कि इफ यूर अल्फा एंथ रूट ऑफ यूनिटी
कैन आई से अल्फा टू द पावर एन इक्वल टू वन, एम आई राइट? फिर एक हमने अलग अलग फॉर्म्स भी देखे थे अल्फा की सारी वैल्यू निकालने के लिए, एन को अगर उधर भेज रहा हूँ वन बाई एन ई टू द पावर आई टू पाई बाई एन तरीके से हमने याद रखा था, यू कैन टेल मी यस? एंड नॉट ओनली आई टू पाई बाई एन, आई टू पाई के बाई एन करके हमने याद रखा था, जहाँ पे के की वैल्यू हम शुरू करते थे वन टू थ्री अप टू एन माइनस वन, आया ना? के विल बी फ्रॉम वन टू एन माइनस वन, जिसको हमने पोलर फॉर्म में या यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके याद रखा था, राइट? डी मॉर्गिस थियरम पहले एंड आफ्टर दिस, कॉस टू पाई बाई एन प्लस साइन आई साइन टू पाई के बाई एन, कॉस टू के पाई बाई एन एंड साइन टू के पाई बाई एन, जहाँ पे के की वैल्यू हो सकती है वन से लेके एन माइनस वन, एम आई राइट? चलो अब यहाँ पे आपको वो डिस्कस कर रहे हैं वो लोग अल्फा बार, ओके, वन अल्फा बार एन माइनस वन टू एन बाई अल्फा बार होल स्क्वायर, ठीक है? What should be the relation between alpha and alpha bar? अगर यहाँ से मुझे अल्फा बार निकालना हो इन टर्म्स ऑफ ई, ठीक है, आप मुझे ये बताओ सूरज, इफ यू नो योर जेड, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इफ दिस इज जेड, तो जेड बार यहीं पे होगा क्योंकि एच तो उसका सेम होगा, वाई चेंज हो जाएगा, एम आई राइट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। अगर जेड उसके साथ अल्फा बना रहा है, हाँ, तो अल्फा बार क्या हो सकता है? नहीं ये तो सर एंगल अल्फा नहीं है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, मैं रॉन्ग वे में चला गया। हाँ उसको एंगल के फॉर्म में ही मैं कर रहा हूँ, मतलब मान लो कि अगर ये अल्फा है तो ये अल्फा बार हो जाएगा, अगर अल्फा यहाँ पे थीटा बना रहा है तो अल्फा बार कौन सा एंगल बनाएगा? हाँ अब मैं थीटा पे आ रहा हूँ, यस, अल्फा बार इज इक्वल टू अल्फा माइनस टू टाइम्स इमेजिनरी पार्ट, एग्री एग्री अभिराम एग्री, बट अगर मैं थीटा के फॉर्म में आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, समझना, सो ये कॉस प्लस आई साइन है वो कॉस माइनस आई साइन हो जाएगा, थीटा में क्या फर्क पड़ेगा अल्फा और अल्फा बार के थीटा में? क्योंकि हम उसे e टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ना, अगर अल्फा को मैं e टू द पावर आई थीटा लिख रहा हूँ तो अल्फा बार आपका क्या हो जाएगा? Isn't it e टू द पावर माइनस आई थीटा, एम आई राइट एवरीवन? बस थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, क्योंकि थीटा आपको याद हो तो यहाँ के लिए हम प्लस लिखते थे, यहाँ के लिए माइनस, यहाँ पे पाई माइनस थीटा लिखते थे, तो यहाँ पे माइनस पाई प्लस थीटा, एंड इसी तरीके से मैंने याद रखने के लिए बोला था कि वो तो याद रख रहे हो तो नीचे वाले तुम्हें बस आपको नेगेटिव करना है, इधर थीटा है तो माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो पाई प्लस थीटा, एम आई राइट? सॉरी माइनस पाई प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पे हमारी रेंज माइनस पाई से पाई तक थी। सो अल्फा इज इक्वल टू ई टू द पावर आई टू पाई के बाई एन, अल्फा बार आपका है ई टू द पावर माइनस आई थीटा, के इज इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। चलो तो अगर यहाँ पे मैं ई टू द पावर माइनस आई थीटा ला सकूँ तो अल्फा बार ला सकता हूँ, उसके लिए लेट अस चेक अल्फा टू द पावर एन माइनस वन, तो ये e टू द पावर i 2 पाई n बाई n, k की जगह मैं रख रहा हूँ माइनस वन, राइट, n माइनस वन, इसेंट इट e टू द पावर i 2 पाई n बाई n माइनस 2 पाई बाई n, एम आई राइट एवरीवन? ये n n कैंसिल हो जाएगा, यू कैन टेल मी यस? दिस इज योर e टू द पावर i 2 पाई माइनस 2 पाई बाई n। चलो मुझे ये बताओ ये cos 2 पाई माइनस थीटा sin 2 पाई माइनस थीटा है, तो थीटा ही होता है ना, इसेंट इट योर i 2 पाई बाई n, you can tell me yes if you agree everyone? Exactly यहाँ पे alpha k होगा, ये हर एक k आपको अलग अलग मिलेगा, alpha to the power n minus 1 या alpha, हाँ वो भी ठीक है क्योंकि 1 omega omega square हम लिखते थे, right? तो alpha alpha to the power k, alpha to the power 2 k, उस तरीके से भी कर सकते हैं। इधर आप अल्फा के लिखो या अल्फा टू द पावर के लिखो, हम्म,
So isn't it your e to the power I 2 pi by n directly? Am I right, everyone? Tell me. Because 2 pi minus theta, theta ho jayega, cos and sin ke form mein, wapis aap likh sakte ho. Am I right? Or less tc because 2 pi minus, nahi. Samajh gaye aapko. Yes, very, very. So, cos 2 pi minus theta, 2 pi minus, okay, fourth quadrant, always TC, cos positive, 2 pi by n. Fourth quadrant, sin negative, minus I sin, 2 pi by n. Chalo, cos minus I sin, from De Morgan's theorem, isse main kya likh sakta hun? Isse main e to the power minus I 2 pi by n likh sakta hun? You can tell me yes if you agree, everyone. Aaya na? Okay. Aur yahan pe ye concept clear hua? क्या मैं बोल सकता हूँ अल्फा के एंड अल्फा टू द पावर के बोथ आर सेम, क्योंकि ये जो उसके nth roots of unity है, cube root of unity आपको मिलते थे 1 omega omega square, nth root of unity आपको क्या मिलेंगे 1 alpha alpha square alpha cube up to alpha to the power n minus 1, am I right everyone? जिसे इसी को हम omega 1 omega 2 बोलते थे initially, इसी को हम omega 1 omega 2 बोलते थे, omega 1 omega to the power 1 omega 2 omega square alpha 1 alpha to the power 1 alpha 2 alpha square alpha n minus 1 alpha to the power n minus 1, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ alpha k which is equal to alpha to the power k, alpha k which is equal to alpha to the power k, so here I am finding alpha to the power n minus 1, so I got alpha to the power n minus 1 equal to e to the power minus I 2 pi by n, and e to the power minus I 2 pi by n मतलब alpha अगर मैं यहाँ पे find करता alpha to the power 1 find करता which is nothing but alpha 1, this is your e to the power I 2 pi by n. And here it is e to the power minus I 2 pi by n. So alpha to the power n minus 1 आपका minus alpha हो जाएगा. You can tell me yes if you agree. क्योंकि alpha में e to the power I 2 pi by n आएगा. Can I say alpha to the power n minus 1? Alpha bar. क्या लिख रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? Sorry for that. Students, my mistake. Angle negative हो रहा है. E to the power minus I theta हो रहा है. तो alpha से alpha bar हो जाएगा. अगर alpha e to the power I theta है. तो alpha bar e to the power minus I theta हो जाएगा. You can tell me yes if you agree everyone. E to the power I theta divided by e to the power minus I theta. So alpha bar, alpha to the power n minus 1 is equal to alpha bar. ये हमें पहले मिला, जिसका हम use करेंगे. अब हमें जो दिया गया है उसके लिए हमारे पास अल्फा बार है. नाउ वी वांट अल्फा बार होल स्क्वायर एज वेल. अल्फा बार होल स्क्वायर हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं, लेट अस थिंक. लास्ट टर्म अल्फा टू द पावर एन माइनस वन होगी. अगर अल्फा टू द पावर एन माइनस टू में सोचूं तो अल्फा टू द पावर एन माइनस टू क्या मिल सकता है, टू द पावर आई टू बाई एन माइनस टू बाई एन e to the power I, just a minute, 2 pi n minus 2 by n, which is equal to e to the power I. So two pi n by n, same 2 pi minus 2 to the 4 pi by n. Okay, great. अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर आपको क्या मिलता, इजंट इट ई टू द पावर आई 4 पाई बाय एन, हाँ या ना? टेल मी. यहां से रिलेशन आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? ओके. जो पी आपको अल्फा स्क्वायर मिलता है, ये अल्फा एन माइनस टू वही मिलता है, जो भी अल्फा टू द पावर आर मिलेगी वो अल्फा टू द पावर एन माइनस आर मिलेगी. सो कैन आई से दैट हियर एंड 2 पाई माइनस थीटा करने से इसको आपको पता है कि इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, दिस विल बी योर e to the power minus I 4 pi by n, okay, which is nothing but your alpha bar square, alpha square ka bar, alpha to the power n minus 2 equal to bar of alpha square, which is nothing but alpha bar square, kyunki bar ke liye humne dekh chuke the rule, am I right? So that means main agar alpha to the power n minus 3 karunga to mujhe alpha bar ka cube milega, alpha to the power n minus 4 karunga to alpha bar ka 4 milega, am I right? Are you getting my point, students? This is the beauty of this expansion.
अगर अल्फा टू द पावर में एन माइनस आर कर रहा हूं तो इन शॉर्ट वो अल्फा बार टू द पावर मुझे आर मिलेगा. Am I right? You can tell me yes if you agree. Hang on, just a minute. One not is not responding. Just a minute. So, इसी question के चलते, from this question only we learned one important thing that if it is your alpha is nth root of unity, तो alpha to the power n minus 1 वो आपका alpha 1 का बार देगा, alpha to the power n minus 2 alpha 2 का बार देगा, या alpha bar whole square. In the same way, alpha to the power n minus r, वो alpha r का बार देगा. Am I right, everyone? Just a minute, I'm just removing this symbol. But ये delete हो जाएगा. So alpha to the power n minus 3 will give us alpha bar cube, alpha to the power n minus 4, alpha bar to the power 4, and ये सब जगह काम आएगा. Alpha to the power n minus r equal to alpha bar to the power r. हो सकता है क्वेश्चन में शायद इतने सारा काम ना है, बट हमें आगे काम आ जाएगा. एक कॉम्बिनेशन देख रहे थे तो उतना हमने देखा. अब आपको तीन टर्म दी गई है अल्फा प्लस एक्स होल टू द पावर एन के एक्सपांशन की. चलो अब इसको एक्सपांड करते हैं. सो वॉट इज एक्सपांशन ऑफ अल्फा प्लस एक्स होल टू द पावर एन? एन सी जीरो. अगर आप अल्फा टू द पावर जीरो ले रहे हो या अल्फा टू द पावर एन ले रहे हो या राइट एन माइनस जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन अल्फा टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर वन प्लस एन सी टू अल्फा टू द पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर अप टू लास्ट टर्म आपको मिलेगी एन सी एन अल्फा टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर एन. एम आई राइट एवरीवन? उस तरीके से अगर कोई बाद वाली टर्म्स की जरूरत पड़ी तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं लास्ट सेकंड टर्म में. सो देयरफॉर अल्फा प्लस एक्स होल टू द पावर एन, एन सी जीरो तो आपको पता है वन होता है, अल्फा टू द पावर एन हमने जस्ट फाइंड किया, अल्फा टू द पावर एन को हम अल्फा बार लिख सकते हैं, नहीं अल्फा टू द पावर एन तो वन हो जाएगा, सॉरी बिकॉज अल्फा इज योर एंथ रूट ऑफ यूनिटी, सो अल्फा टू द पावर एन विल बी योर वन ओनली, एक्स टू द पावर जीरो इज वन. NC1 n alpha to the power n minus 1 जिसे हम लिख सकते हैं alpha bar to the power 1 right. In short alpha to the power n minus r को लिख सकते हैं alpha bar to the power r, या डायरेक्ट फॉर्मूला बुक में डाल सकते हो अभी से कि if alpha is nth root of unity then alpha to the power n minus r equal to alpha bar to the power r. And what is its proof? This is its proof. जो भी हमने किया वो बस इसका प्रूफ था. हर एक एडवांस क्वेश्चन हमें कुछ नया सिखा के जाता है, ये वाला क्वेश्चन हमें ये सिखा रहा है. सो यू कैन इंक्लूड दिस इन फॉर्मूला बुक एज वेल. नेक्स्ट उसी तरीके से एन सी टू आपका हो जाएगा एन एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, वो आपको पता ही है. अल्फा टू द पावर एन माइनस टू विच इज अल्फा बार होल स्क्वायर एन एक्स स्क्वायर एज इट इज, एंड यहाँ पे एक्स में खा गया सो इन टू एक्स. इज दिस क्लियर? एंड अभी हमें वही पूछ रहे हैं ना कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड दिस इज गिवन टू अस कि आपको मिलने चाहिए 1 प्लस अल्फा बार प्लस एन माइनस वन बाई टू एन इंटू अल्फा स्क्वायर. दैट्स इट. इसके बाद ये क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन में बस हमने वही देखा कि वो आपका बड़ा है. सो वो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. दैट्स इट. सो अल्फा प्लस एक्स होल टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन अल्फा बार एक्स प्लस एन एन माइनस वन बाई टू अल्फा बार होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. तो अगर यहाँ पे हम कंपेयर करें तो अल्फा बार अकेला है तो एन इंटू एक्स इट शुड बी वन, एंड
देखिए दिस यहाँ पे डिवाइड बाय n आ गया ना, n माइनस वन बाई टू n, सो n इंटू एक्स स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू वन बाई n. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है भाई, यहाँ से x आपको मिल रहा है वन बाई n, सो वन बाई n इधर रखोगे तो यही मिलेगा, x आई एम गेटिंग इज वन बाई n. Yes. So this is your case. Is this clear, everyone? Yes. Now Ovish is telling yes. In easier way, one other approach. Yes, Ovish. Alpha to the power n equal to one. So alpha equal to one upon alpha bar. Okay. Alpha to the power n आपको पता है वन, alpha into alpha bar आपको पता है mod alpha square होता है, since it is cube root of unity, mod alpha should be one because it is nth root of unity. Sorry, not cube root of unity. So therefore. Alpha is equal to 1 upon alpha bar. Now what we want alpha to the power n minus 1 or alpha to the power x. अच्छा आपने क्या क्या पहले alpha की power x दे दी, so alpha to the power x is equal to 1 upon alpha bar to the power x. Okay, and on dividing, okay yes, अगर इससे divide कर दें, so alpha to the power n minus x is equal to alpha bar to the power x. Agree? Yes. Yes, so good approach, always easier approach. Okay, good. Now, is this clear, everyone? बस in short, ये question में हमें बस ये पता होना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा काम और आसान हो जाएगा. So, this is our question number 12. Let us see question number 13 and 14. The coefficient of x to the power 50. We need to find here coefficient of x to the power 50 in the expansion of 1 plus x square whole to the power 25, 1 plus x to the power 25, 1 plus x to the power 40, 1 plus x to the power 45, 1 plus x to the power 47. अब समझो इसमें कैसे कर सकते हैं. 1 plus x to the power 25 आपके पास है, 1 plus x to the power 40 है, 1 plus x to the power 45 and 1 plus x to the power 47 है. तो आपको कोएफिशिएंट किसका चाहिए? सिर्फ x to the power 50 का है या ना? अब अगर आप पहली टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म देखें तो उन सब की पावर ओनली वन है, तो क्या मैं पहले उसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ? एवरीवन समझना, वन प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 25 या वन प्लस एक्स टू द पावर 25, वन प्लस एक्स टू द पावर 40, 1 plus x to the power 45, 1 plus x to the power 47. So 1 plus x square whole to the power 25 as it is. चलो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक एक करके थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं, क्योंकि हमें x to the power 50 पे जाना है. x 1 plus x square whole to the power 25 में x to the power 50 लाना आसान है, right? 25 by 0 और ऐसा करके वो लास्ट टर्म आपके पास होगी 25 C 25, which is nothing but your 25 C 0 only यहाँ पे x to the power 50 में. अब उसके साथ जो क्या मल्टीप्लीकेशन में वो आपको फाइंड करना होगा यहाँ से. चलो वो फाइंड करने के लिए पहले 1 प्लस एक्स टू द पावर 25 एंड 1 प्लस एक्स टू द पावर 40 को एज इट इज रख रहा हूँ. अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 47 प्लस एक्स टू द पावर 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस एक्स टू द पावर 45 प्लस एक्स टू द पावर सॉरी
45 plus 45, 90. 90 and 2, which is your 92. Am I right, everyone? Yeah, 1 plus x to the power 92 ho jayega. Okay. So, now mujhe ye batao. Haan. Yes. So, we only need coefficient of x to the power 25, x to the power 10. Just a minute. X to the power 5, x cube and x to the power 50 from 1 plus x square whole to the power 25. No need to multiply the four terms. Yes. So, wahi kaun kaun se terms chahiye, wo identify karne ke liye to multiply karna padega na, Uvish? Yes, Abhiram is also telling the same. No need, directly. So, how can you directly determine ke, sir, we only need x to the power 25, x to the power 10, x to the power 5, x cube and x to the power 50. Kyunki wo kiske sath multiply hongi, uske liye to x wali term chahiye na. We can consider terms individually. Okay, Abhiram. मतलब यहाँ से x to the power 25 ले रहे हैं, उसके साथ x to the power 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके. या x to the power 10 40 के साथ, ओके. x to the power 45 के साथ, ओके, गॉट इट. 5 एंड देन x to the power 47 के साथ x to the power 3, ओके ओके ओके, गॉट इट. गॉट इट. क्योंकि अल्टीमेटली होगा तो वही. बट एग्जैक्टली ये केस में ऐसा हो रहा है कि उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके सारे टर्म आपके बड़े ही होने वाले हैं, तो उनको इग्नोर ही करना पड़ेगा. क्योंकि x to the power 50 टर्म लाने के लिए, यस, नाउ आई गॉट योर पॉइंट ओवेशन अभिराम, कि अगर यहाँ पे x to the power मेरे पास 25 है, 1 plus x to the power 25 है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे कोएफिशिएंट्स मिलेंगे, राइट. नाउ द थिंग इज, x to the power 50 मेरा कब आ सकता है, जब यहाँ से x to the power 25 इसके x to the power 25 से मल्टीप्लाई हो, फिर यहाँ का x to the power 10 यहाँ के x to the power 40 के साथ मल्टीप्लाई हो, या फिर यहाँ का x to the power 5 यहाँ के x to the power 45 से मल्टीप्लाई हो, यहाँ का x to the power 3 यहाँ के x to the power 47 से मल्टीप्लाई हो. क्या और कोई ऑप्शन पॉसिबल है? क्योंकि अंदर अंदर ये 25 के साथ और कोई तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 25 के साथ अगर मैं 40 भी मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो 45 हो जाएगा, सॉरी 65 हो जाएगा. तो हर एक केस में आपका 50 से ज्यादा ही होने वाला है. एंड वही सेम चीज मैं समझाने वाला था कि मल्टीप्लाई करके बट आई थिंक जो मैं समझाने वाला था वो बहुत बड़ा हो जाता. एम आई राइट? ठीक है, तो पहले देखते हैं. एंड सर फर्स्ट वी कैन कंसीडर, जस्ट अ मिनट, x स्क्वायर टू द पावर 25 माइनस r, एंड फॉर अदर टर्म्स वी कैन से इट इज मल्टीप्लाइड विद 1. हां, so here, so let us take first approach. So x to the power 25 and x to the power 25, then x to the power 25 of this will be multiplied with 1, we'll get the x to the power 50. So x to the power 25 ke aap ek coefficient aapko mein kya milega, here your term r plus 1 term will be NCR x to the power 2 into R. So 2R equal to 25 तो possible ही नहीं होगा ना. Is it possible? No. Am I right, everyone? 2R equal to 5 भी possible नहीं होगा. 2R equal to 3 भी possible नहीं होगा. So only possible terms are x to the power 10 and x to the power 50. So x to the power 10 आपका x to the power 40 से multiply होगा, जिसका coefficient already 1 है, and x to the power 50 वो 1 से multiply होगा. तभी वो x to the power 50 मिलेगा. So x to the power 10 के लिए 2r should be 10, r should be equal to 5. So your coefficient should be NCR, which is n तो आपका fix ही है 25, c 5. And for x to the power 50, 2r equal to 50, r equal to 25. So here NCR will be n is 25 only, 25 c 25. वो तो हमने starting में ही discuss कर दिया था कि वो एक तो मिलेगा ही. So this is 1 and 25 c 5 आप यहाँ से find कर सकते हो. 5 कदम पीछे divide by 5 factorial. No, Abhiram is telling no. कोई mistake हुई मेरी? No need to expand, not enough. Answer is given in terms of 25 c by. Achha, sorry. No need to expand, sorry. Okay. So
वन प्लस 25 सी 5 ओके, एक कोएफिशिएंट यहां से एक कोएफिशिएंट यहां से, ओके सो दिस इज इजियर मेथड। अल्टीमेटली जो मैं समझा रहा था उसमें भी यहीं पे आते, बट मैं बस सारे कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करके दिखा रहा था कि वो हमारे एट 50 से ज्यादा ही होंगे तो हमें उसको रिमूव ही करने हैं, बट वो हम पहले से ही समझ सकते हैं। यस सो 1 प्लस 25 सी 5, अंडरस्टूड एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ यू अंडरस्टूड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आप लोग ये पांच जो रेगुलरली अटेंड करते हैं एडवांस क्लास, अभिराम, आर्यन, ओवेश, प्रांजल, रौनक, कोशी आके ऑलमोस्ट हर बार चली जाती है एंड से पहले, मीत कभी कभी बीच में आके चला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यस अगर हाँ बाकी की पावर्स मल्टीप्लाई, हाँ बाकी की पावर्स यहाँ पे लेस देन 50 दी गई होती तो डेफिनेटली हमें उन्हें कंसिडर करना पड़ता कि यहाँ पे अगर 1 प्लस एक्स टू द पावर 25 के साथ मान लो उधर ही कहीं 1 प्लस एक्स टू द पावर अलग अलग मल्टीप्लाइड है तो उस तरीके से देखना पड़ता। सपोज 20 दे दिया या 5 दे दिया तो 20 20 और 5 उन तीनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ के 1 के साथ करें तो वहाँ भी 50 हो सकता है। चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 14 नाउ। 14, इफ ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके मतलब वो 1 नहीं है, दैट्स इट, नॉर्मल वर्ड्स में नहीं बोल रहे कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, लंबा खींच रहे हैं, इफ इट इज नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड एक्स इज अ रियल नंबर, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा जो ऑलरेडी हमने किया है स्टूडेंट्स, and n belongs to first three terms of binomial expansion। अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला कि वो हमें एक नई चीज सिखा रहा है, सो फर्स्ट थ्री टर्म्स ही आपको बोली है, तो एन सी जीरो ओमेगा टू द पावर एन माइनस जीरो एक्स टू द पावर जीरो प्लस एन सी वन ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन एक्स टू द पावर वन प्लस एन सी टू ओमेगा टू द पावर एन माइनस टू एक्स स्क्वायर, एम आई राइट? फर्स्ट थ्री टर्म्स एन सी जीरो तो आपका हो जाएगा वन, ओमेगा टू द पावर एन हो जाएगा वन, एक्स टू द पावर जीरो हो जाएगा वन, जो आपको बोला गया ऑलरेडी वन है, ओके। सेकंड टर्म आपको दी गई है 12, तो प्लस एन सी वन एन ओमेगा टू द पावर एन माइनस वन वो आपका हो जाएगा ओमेगा बार टू द पावर वन एंड दिस इज एक्स, प्लस एन सी टू एन एन माइनस वन बाय टू ओमेगा टू द पावर एन माइनस टू ओमेगा बार स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर एज इट इज, am I right everyone? You can tell me yes, I am, okay। फिर cube root of unity में तो आपको पता ही है वो 1 omega omega square होता है, तो omega bar is nothing but your omega square and omega square का bar कर रहे हो या omega bar square कर रहे हो, it is nothing but your omega, so this is 1 plus n omega bar x plus n n minus 1 by 2, पहले हमें time लगा क्योंकि concept हमारे लिए नया था, अब हमें concept पता है तो हम directly कर सकते हैं ओमेगा इनटू एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट चलो अब कंपेयर करते हैं, तो एन ओमेगा बार एक्स, तो ओमेगा बार एज इट इज एन इनटू एक्स शुड बी इक्वल टू 12 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन, एन इनटू एक्स शुड बी 12 एंड हियर 69 ओमेगा का कोएफिशिएंट, सो एन एन माइनस 1 बाय 2 इनटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 69। तो आपको एक्स भी फाइंड करना है, आपको एन भी फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे?
पहले रेशियो ले लेंगे इन दोनों का, तो भी हमें एक चीज मिल सकती है, या एन स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर, कुछ किसी भी तरीके से कर सकते हैं, एन एक्स एंड एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कंसेप्ट। अगर रेशियो ले लूंगा तो एन और एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर वापस उसका यूज होगा, एन इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाई टू डिवाइड बाई एन एक्स इज इक्वल टू 69 बाई 12। हाँ, या एन एक्स की वैल्यू वही उसी पे आ रहा था, एन एन कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल, सो ये टू उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एन माइनस वन बाई टू इंटू एक्स इक्वल टू 69 बाई 12, टू सिक्स आर 12, सो एन माइनस वन और आई कैन से एन एक्स माइनस एक्स is equal to 69 by 6. What is your n into x? Isn't it 12? Nx is equal to 12. So 12 minus x equal to 69 by 6. So minus x itar aa jayega. Plus x equal to 12 minus 69 by 6. Okay, 69 6 is 23 by 2. तब मैं सोचा ही नहीं ये होता है, तो वही वही हमारा काम आसान हो जाता है। एग्री, चलो तो ये आपका 3/6 व्हिच इज हाफ। बस अब एक्स हाफ मिल गया तो कोई भी एक जगह रख दो, सपोज यहां पे हाफ रखा होता है n इक्वल टू 24, सो n 24 एंड x इक्वल टू हाफ, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो यहां पे हमारी अब ये एक्सरसाइज खत्म होती है। Okay, students, am I audible? Just due to fluctuation in net, I got disconnected. Just a minute. वैसे भी हमने खत्म कर ही दिया था. So I was discussing about this only. X equal to half we got so far, and n equal to 40. अब homework में आपको और 10 question दिए गए हैं. Okay. इस बार आर्यन आप कनेक्टेड ही थे, ओके ठीक है, तो इस बार यहीं से कहीं से डिस्कनेक्ट होगा। सो व्हाट आई वाज टेलिंग इज ये हो गया, ये हो गया, ओके। तो होमवर्क में 10 क्वेश्चन से वो आप ट्राई करना, राइट, क्वेश्चंस 1 to 10। अब आपका वेडनेसडे एंड थर्सडे वाले एडवांस क्लास में आपके डाउट्स हम देखेंगे जो आपने ग्रुप में डाले हैं, राइट, एंड अभी हम आपके जो वो 2 क्वेश्चन हमें मेन देखने हैं, सो दैट आई विल एक्सप्लोर ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, टाइम नहीं मिलेगा, टुमारो आई विल एक्सप्लोर। ओके, सो बाय एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू आस्क, ठीक है, आज इतना ही रखें। मॉड्यूल्स देख लिए, नए मॉड्यूल कैसे हैं केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के? नए मॉड्यूल अच्छे हैं या जो आपके पास पुराने मॉड्यूल वाली सॉफ्ट कॉपी है वो अच्छी है? नए मॉड्यूल में कैसे हैं क्वेश्चंस कि अभी तक नहीं देखे? एम्प्टी था इसलिए, ओल्ड इज गोल्ड, हाँ एग्री, ऑल आर एमसीक्यूज, अच्छा ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो, वो वाले भी पीडीएफ से करते रहो, ये इधर से करते रहो, प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, आज इतना ही रखते हैं, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो बाय उबीश, अभिराम, रौनक, आर्यन, बाय प्रांजल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir.